बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके अब रोजे भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आपकी इफ्तारी के लिए बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूँ। उसका नाम है पोटैटो चीज़ रोल, और ये बहुत जल्दी बनते हैं। अगर आप अपनी इफ्तारी से आधा घंटा पहले बनाना शुरू करें तो इफ्तारी के वक्त आपके टेबल पर होंगे। और ये कैसे बनते हैं आए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बॉयल किया है। अब मैं इनको मैश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैश हमने कर दिया, अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून में लिया है सॉल्ट की, हाफ टी स्पून लिया है मैंने काली मिर्च, और हाफ टी स्पून में लिया है चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स मैंने कर लिए, अब मैं इसके रोल्स बनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आपने चीज लगानी है। इसको थोड़ा सा और मटेरियल डाल के इसको कवर करना है और इसको रोल की शक्ल में दे देना है। ये देखिए, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के तैयार होती है। ये एक हो गया तैयार, अब मैं दूसरा तैयार करता हूँ। फिर इसी तरह आपने इसके अंदर चीज़ लगाएं, इसकी शैडो कवर कर लें, थोड़ा सा मटेरियल और लगा लें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका दूसरा रोल भी तैयार हो गया, और इसी तरह बाकी भी रोल तैयार कर लूँगा। रोल हमने बना लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने से पहले हम इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसके मैंने पानी डाल के इसकी पेस्ट बनाई, और साथ में लिए ब्रेड क्रम्स। अब हम इसको कोटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आटे में इसकी कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ड्रम स्टिक पे करेंगे, ब्रेड क्रम्स सॉरी। इसी तरह आपने कोटिंग करनी है। ये एक ही हो गई, अलग से मैं दूसरी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह मैं सब रोल्स की कोटिंग कर लूँगा। रोल्स की हमने कोटिंग कर ली है। इस पोजीशन पे अगर आप इसको फ्रीजर में रख लें और फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो चले अब हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके नीचे की सतह को हम गोल्डन करने होने का इंतजार करेंगे। हम इसकी फ्राई साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे गोल्डन हो रहे हैं। हमारे रोल गोल्डन कलर में आ गए, अब हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसी तरह बाकी रोल भी फ्राई कर लेंगे। पोटैटो चीज़ रोल्स हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसके साथ डिपिंग सॉस तैयार करेंगे। डिपिंग सॉस तैयार करने के लिए मैं एक टीस्पून लूंगा म्यूनिस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक टीस्पून मैं लूंगा चिली गार्लिक सॉस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सॉस तैयार हो गई और ये सॉस रोज़ का टेस्ट दुबाला करती है। चलें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो चीज़ रोज़ तैयार हो गए हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल आपकी इफ्तारी के लिए नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।